मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है, हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया है। हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे, आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाएंगे, 11वें नंबर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे, उसको हमने 5वें नंबर पर लाने का काम किया है और तीसरी टर्म में निश्चित रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हमने वो पूरा किया है। 370 हटाना था, हमने वो पूरा किया है। यूसीसी की शुरुआत भी हमने की है, महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है, महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। देखिए, मैं यही कहना, एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति के इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुसकर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, आप अकेले मिले तो शायद कह देंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई, मुख्यमंत्री तेलंगाना, प्लीज, मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी आपने मीट द प्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने टेस्ला का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होगा तो मैं बकायदे पूरी फेहरिस्त दूंगा। देखिए, ऐसा है भाई, तेलंगाना में जिस तरह का सरकार वो चला रहे हैं, मैं नहीं मानता कोई निवेश करने आएगा। अगर उनको तकलीफ है तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को मिल सकते थे, मदद चाहिए तो, और मांगनी भी चाहिए, इसमें क्या है। हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की मदद मांगता है, मगर यहां जिस प्रकार का रैम्पड करप्शन का एटमोस्फियर हुआ है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई। आप भी अगर बिजनेस में जाना चाहोगे तो 4 बार सोचो। और केसीआर को मैं कहना चाहता हूं कि भाई, रीजनल पार्टी की बात आप जरूर करो, आपका अधिकार है, तेलंगाना की जनता को तय करना है। आप काउंटिंग के दिन देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यहां 10 से ज्यादा कमल के साथ यशस्वी बनकर बाहर आएगी भैया। मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं
कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे, वो तय हो चुका है, नहीं बदलना।